भारत के पास 2024 का वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरा मौका है। ये बात हम हवाबाजी में नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे बहुत से तर्क जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। 2024 का वर्ल्ड कप अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ग्रुप स्टेज के मैच होंगे और आगे के सुपर एट और फाइनल मैच वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। लेकिन न्यूयॉर्क में पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ कुछ महीनों पहले ही क्रिकेट मैदान कब बनाया गया है। लेकिन इस मैदान के खराब आउटफील्ड के चलते यहाँ मैच खेलने का बिल्कुल मजा नहीं आया, और साथ ही इस मैदान में बहुत ही लो स्कोरिंग मैच खेले गए हैं, जो कि आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय टीमें खेलती नहीं है। और इसी बात का नुकसान ये हुआ कि इस मैदान के चलते कुछ बड़ी टीमें ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। न्यूजीलैंड की टीम, जो कि हर बार टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रुकआउट करती थी, वो इस बार पहले ही बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही सबका ध्यान वर्ल्ड कप जीतने में से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच पर लगा रहता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम भी बाहर हो गई और अब इंडिया की टीम के लिए सिर्फ वर्ल्ड कप पर फोकस करना है। इसके साथ ही श्रीलंका की टीम भी वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचों से बाहर हो चुकी है, तो इन टीमों के बाहर होने से अब टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप की राह आसान हो गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंडिया को बहुत से दर्द दिए हैं। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के साथ साथ 2022 की टेस्ट चैंपियनशिप का भी बदला इस बार पूरा करना है। अपना हिसाब थोड़ा कम करने के लिए भारत को 24 जून को मौका मिलने वाला है। 24 जून को सुपर एट में इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा, तो इंडिया की टीम अपना कुछ हिसाब इस मैच से निकाल सकती है और बाकी बचा हुआ हिसाब ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल या फाइनल में लिया जाएगा। लेकिन भारत के पास 2024 का वर्ल्ड कप जीतने का यह बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर भारतीय टीम सभी की उम्मीदें बनाए रखती है तो टीम इंडिया 11 साल बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी पर नाम कर सकती है। इससे पहले लास्ट बार 2013 में टीम ने धोनी की कप्तानी में चैंपियन ट्रॉफी पर नाम की थी। 2024 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से टक्कर नहीं मिलने वाली है, लेकिन इसके अलावा टीम इंडिया के लिए अब भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीम मुसीबत कर सकती है। साथ ही इस बार के T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम भी खतरनाक नजर आ रही है, तो टीम इंडिया इन टीमों को भी हल्के में नहीं ले सकती है। साउथ अफ्रीका ने अब तक कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत से पावर हिटर बल्लेबाज हैं, तो उन बल्लेबाजों को हल्के में लेना टीम इंडिया के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। टीम इंडिया सुपर एट में अपने 3 मुकाबले खेलेगी, जिनमें से पहला मुकाबला अफगानिस्तान से और साथ ही 24 जून को दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा। अगर टीम इंडिया सुपर एट में 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले भी जीत पाती है तो टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी और टीम इंडिया वर्ल्ड कप के पास में अपना एक और कदम बढ़ा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।